हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास वैलोरेंट जो है डाउनलोड नहीं हो रहा है, स्टक हो रहा है 0.1 KBPS पर स्टक हो रहा है, तो इसकी प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है टास्क मैनेजर ओपन करना है। स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर टास्क मैनेजर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं रिमूव क्लाइंट का ऑप्शन है, आप इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए और यहां पर एंड टास्क के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहां पर से वैलोरेंट जो है क्लोज़ हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद आप इस सेटिंग को क्लोज़ कीजिए। फिर आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है सर्विसेस, इस तरीके से आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है VGC, इस तरीके से आप जो है इसको फाइंड आउट कीजिए। सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टअप टाइप, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, फिर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस सेटिंग को क्लोज कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप जो है इंटरनेट कनेक्शन को एक बार चेक कर लीजिए, आपके पास इंटरनेट ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। आप जो है इंटरनेट की स्पीड भी जो है चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास अगर इंटरनेट ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो आप जो है विंडोज़ की सेटिंग में जाइए। यहाँ पर इस तरीके से आपको सेटिंग ओपन करना है, स्क्रॉल करना है, फिर आप यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद अदर ट्रबल शूटर पर क्लिक कीजिए। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन का ऑप्शन है, आप इसको यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स, तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप इसको क्लोज़ कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लास्ट मेथड बताने वाला हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है दोस्तों। आप जो है वैलोरेंट गेम को ओपन कीजिए, यहाँ पर से इस तरीके से आप इसको सर्च कर ओपन कीजिए। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वैलोरेंट ओपन हो गया है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू पर राइट क्लिक कर टास्क मैनेजर पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको उसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल टैब में आना है, फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल कीजिए और आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है rootclient.exe। इस फाइल को आपको सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर सेट प्रायोरिटी में आपको जो है ये अभी नॉर्मल है तो आपको इसको हाई पर सेलेक्ट करना है इस तरीके से। फिर यहाँ पर चेंज प्रायोरिटी पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इसको क्लोज कीजिए। उसके बाद आप अपने PC को एक बार रीस्टार्ट कर वैलोरेंट गेम को ओपन कर आप जो है गेम को डाउनलोड कीजिए या फिर अपडेट कीजिए, आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।